बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान। उम्मीद करना है कि तुसी सब ठीक हो गए। तो अज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो अज असी जाना है जी बाहर। वाह जी वाह। तो अज मिक्सिंग ब्लॉग होएगा, पंजाबी भी उर्दू भी। तो अभी मैं आ चुका हूँ जी बाहर। तो देखते हैं जी क्या होता है आज और कैसे। आज मतलब कि इतनी कड़ाकेदार धूप निकली है ना कि मैं आपको ना बता नहीं सकता। आप खुद ही देख लें कि कैसे मैं चमक गया हूँ धूप में आके। ना यहाँ से पता चल जाता है कि कितनी गर्मी है। और आज मतलब कि जो बंदा सोचता है वो नहीं होता। जो मंजूर है खुदा सोचता है वही होना चाहिए, ताकि वही हमारे लिए बेहतर है। हम तो बस अपनी चीज़ों में ना थोड़ा सा मसरूफ़ रहते हैं इसलिए। तो ये देखें जी, इधर हमारे प्यारे से फूल भी उग गए हैं। और आज दिन पता नहीं क्या है, संडे है मंडे है, आज 4 अगस्त है। ये तो मुझे पता है, दिन का नहीं पता, लेकिन पता लगा लेते हैं। तो हूँ मैं करना वहाँ नाश्ता, तो फिर मिलने हैं जी तानू नाश्ते दे उत्ते। तो सबसे पहले करवाते हैं जी फिशों को नाश्ता, उसके बाद हम खुद कर दें हैं करांगे कर लगे हैं। असल में फिश क्यूरियम में ना थोड़ा सा मसला बन गया था, ये लीक हो गया। ये देखे ना, अब आज थोड़ा सा ना कम हो गया, लेकिन कल बहुत ज़्यादा पानी लीक हुआ तो आधा हो गया। ये देखिए पूरा आधा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मसला बना है। तो पानी कम अब रखना है, ताकि ये अब ज़्यादा कहीं बिल्कुल ही ना ख़राब हो जाए, इसलिए पानी इतना ही। चलो चो खाना खाओ, नाश्ता करो। ये है जी हमारा नाश्ता, दाल माश, रोटी और शक्कर, जाग वाली दूध, जाग वाली चाय और पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नाश्ता मैंने कर लिया है। तो किचन तकरीबन साफ है, तो जो रहता है वो मैं कर लेता हूँ, आपको तो पता ही है। आई एम उस्ताद बर्तन। आज सुबह की आई हैं जी दो काम वाली, उन्होंने की है बोनी। बोनी का मतलब सबसे पहली बैल उन्होंने मारी है। तो सुबह की बैलें कभी कोई आ जाता है, पहले आया था। तो ये देखें ये सब नहीं आ, फिर आया जी गोश्त आ गया, फिर आया जी फिर आलू टमाटर आ गए। क्या यार, तो 10 दफ़ा बार आ जा। तो अभी उसे देना है पानी, जो अब आलू टमाटर लैके आया, तो आप पानी भी होने हैं। फिर आ लो जी पानी, एलो। तो आ गए जी आलू मिर्चा टमाटर, तो नींबू नहीं है हूँ, बल्कि बोनी इस बंदे दी बनती है। सुबह दुध लैके आया सी, ते हुण कोई 1 2 3 वारी ये आ गया। ते अज बज गई जी साढ़े 6 बजे घंटियां, ते हुण अगे पता नहीं किन्नी वारी बजनी। वाह जी वाह, क्या बात।
आ जरा ना आ, ये वाला YouTube वाला कप, ये मेरा सबसे फेवरेट है, लेकिन इसमें मैं चाय नहीं पीता यार, बड़ा ही बहुत ज़्यादा है, कोई आधा किलो चाय आ जाती है इसमें। अब मैं बनाने लगा हूँ जी आमलेट, और आमलेट का सामान पहले काटना है तो फिर आमलेट बनेगा ना, तो आपको दिखाता हूँ कैसे सामान काटना है। बिल्कुल बारीक बारीक चीज़ें काटते हैं ताकि अच्छी। तो अब गाइस किचन कुचन हो चुका है जी साफ, और मैं आ चुका हूँ ऊपर नहा के, इंशाल्लाह जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और आप भी पढ़ लें। तो मिलते हैं जी नमाज़ पढ़ने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नहा नहो के नमाज़ पढ़ ली है, तो अभी मैं बाहर आया हूँ थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर वास्ते आज असल में ना गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, और हमारे जो घर की लाइट है ना ये इतना तंग कर रही है, ब्रेकर जो है कभी कोई गिर जाता है कभी कोई गिर जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी है। अभी इलेक्ट्रिशियन आएगा तो वो चेक करेगा थोड़ी देर में। तो ये है जी दुबई की चॉकलेट, चॉकलेट तो नहीं ये कोई और चीज़ ही है, ओट मिल्क पता नहीं, खा के चेक करते हैं कैसी है। बिस्मिल्लाह, ये देखें ये चॉकलेट तो नहीं है कोई ना, है कोई चीज़ बस, एक है जी ये। ये चॉकलेट ही अंदर से ऐसे जैसे बिस्किट है,
भाई बहुत ही मज़ेदार हैं ये सारी ना। गुड हो गया गुड। ये देखें जी ब्रेकर भी ऊपर है और सिर्फ जो एसी वाले हैं ना वो चल रहे हैं, बाकी सारे बंद हैं। करंट भी इसमें आ रहा है, ये इसमें पता नहीं दिखेगा कि नहीं। ये देखें ये आपको नहीं दिखेगा, इसमें नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। मत सब इसमें आ रहा है हल्का सा। ये देखे जल रही, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ है, पूरे घर की नहीं आ रही, सिर्फ एसी चल रहे हैं बस, बाकी सारे ये देखे ऊपर हैं चल रहे हैं। एक दफ़ा मैं सारे ना ऑफ करके दोबारा ऑन करके देखता हूँ। ये हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो रोज 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 इसका मसला बनता है, कुछ समझ नहीं आ रही, पता नहीं इसने क्या करवाना है। देखूं कि चला कि नहीं, नहीं चला। बिजली बंद हो गई है अब तो। ये वाला ब्रेकर है, इसे तो ऐसे उठाए ना तो अंदर से आग निकलने लग जाती है। अब बिजली बंद हो गई है, थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि क्या होगा। तो सुबह से भाई साहब सर को अजीब सी, मतलब कि है ना, पेन कह लें, दर्द कह लें, क्योंकि आज मैं कीता उर्दू च और पंजाबी च मिक्सर व्लॉग शुरू, तो आज सुबह का ना अजीबो गरीब जहा, मतलब कि सिर के नाल हिसाब होया, व्लॉग भी सही नहीं बन दिया मेरे को। दुआ करो, हूँ तकरीबन नहा के आया, थोड़ा जहा ना पिया फर्क, पहले तो बहुत बुरी हालत सी, मैं तुम दस नहीं सकता, लेकिन अब अलहमदुलिल्लाह ठीक है। तो अभी असर उसर की नमाज़ पढ़ ली है, अब मैं जोहर में थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन ये है कि 15 मिनट पहले असर से पढ़ ली है, तो आप भी पढ़ा करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, टाइम निकाला करें, बस 4 फर्ज पढ़ लिया करें, इतना मतलब कि टाइम ना हो, टाइम हो तो बंदा पूरी पढ़ ले। आप मुझे ही देख लें जी, मैं और किसी का नहीं देता, अपना ही दे देता हूँ, कि मैंने काम भी करने होते हैं, आपके साथ ब्लॉग भी बनाना होता है तकरीबन तकरीबन। तो रात को तकरीबन मुझे 1-1.5 बज जाता है, फिर ब्लॉग बनाना, फिर एडिटिंग करनी है, और नमाज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 की 5 पढ़ता हूँ, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, ये आप पढ़ेंगे तो अल्लाह सब कुछ बेहतर कर देगा इंशाअल्लाह। लीजिए जी, कद्दूओं का काम ख़त्म, अब आ गया जी लहसुन की बारी।
ते भाई साहब आज आया जी गड्डी दे विच दूध। क्या बात है जी, लाइट सारे दी हैगी है, पर पता मसला की है, मगरब की अजान हो गई है, असी पढ़नी है नमाज। ओ वेखो बल्ब चलन दिया, ओ वेखो बल्ब चलन दिया, ये कोई अंडरग्राउंड मसला बन गया जी। ते भाई साहब आटा भी नाल ही आ गया जी, ते आटा हुण मैं चुक लिया, ते ओ चौधरी साहब साहब दुध लै आउणगे, ते फिर मगरब की नमाज पढ़िए। ते फाइनली गाइज चाचू इलैक्ट्रीशियन आ गए ने, ते मेरे ते बहुत तपे हुए ने इस टाइम, ते मैं हुण ना बर्फ वाला पानी ठंडा कढ के लियाना, ते फिर पियाना, ते फिर कोई हिसाब किताब लावांगे। चुक ब्रेकर चुक दे मेन यार उसमें दा साजी, मैं फिर लेवां करदे डीपी दे भी चुक दे। हां वड्डा जड़ा सुन लिया, चुक दे तान तो फाइनली गाइस किचन हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल साफ सूफ हो गया। तो अभी मैं खान लगा जी रात की रोटी डिनर, तो टाइम हो गया जी 10 बजने वाले, डिनर दिखा दूँ आपको, तो लीजिए। ये है जी कद्दू शरीफ और चिकन मिक्स, माय ब्यूटीफुल रोटी, और ऊपर चाय गिर गई थी थोड़ी सी, तो ये है चाय और ये है पानी, और ये हूँ जी मैं। तो मिलते हैं खाने के बाद। तो आज का ब्लॉग यहीं और इसी वक्त ख़त्म करते हैं, अपने मेज़बान रमज़ान को दीजिए इजाज़त। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।